अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कमरे के अंदर ला तादाद इंसानी खोपड़ियाँ और ढांचे मौजूद थे जिनका ढेर एक दूसरे के ऊपर था। ना जाने किन बदनसीब इंसानों को मार कर ढांचों में तब्दील कर दिया गया था। वो फौरन ही उन ढांचों के पीछे जा छुपा। अब किसी भी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहता था। जागुना उसके ताकुब में आगे ही निकल गई थी। उसको ढेर के पीछे छुपे थोड़ी देर हुई थी कि एक अजीब सी आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। वो आवाज़ उस ढेर से आती हुई महसूस हुई। वो आवाज़ नहायत अजीब सी थी, दर्दो कर्ब में डूबी हुई, जैसे कोई सख्त तकलीफ में हो, बीमार हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो उसको ढेर में हरकत होती महसूस हुई। ढेर अपनी जगह छोड़ता जा रहा था। अचानक उसने ढेर के वस्त से एक हाथ बरामद होते देखा। बरामद होते हुए हाथ को देखकर उसकी चीख निकल गई और उसको झुर्झरी आने लगी। वो एक इंसानी वजूद था जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। उस इंसानी वजूद को देखकर काशिफ अपनी चीखों पर काबू ना रख पाया। वो इंसानी वजूद था ही इतना खौफनाक। उसका पूरा जिस्म जगह जगह से जख्मी था, जिससे खून और चर्बी झांक रही थी। उसके चेहरे और आंखों के जख्मों पर छोटे छोटे सफ़ेद चावल के दानों के बराबर कीड़े रेंग रहे थे, जो कि उसके जख्मों पर लगा खून चाट रहे थे। उसकी आंखों की जगह बड़े बड़े डेले थे और सफ़ेद दांतों की तवील कतार झांकती नजर आ रही थी। वो खौफनाक इंसान काशिफ की जानब बढ़ा। वो ढांचों पर पैर रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। जिस भी ढांचे पर पैर रखता, एक चीख की आवाज़ बुलंद होती। चीख उन ढांचों से बुलंद हो रही थी। वो आगे बढ़ता जाता। उसने सोचा कि अगर मैं जान बचाकर भागा नहीं तो वो मुझे जान से मार देगा। वो खौफनाक इंसान जैसे ही उसके करीब पहुंचा और उसने काशिफ की गर्दन पर हाथ डाल दिया, उसी पल उसकी हादर दिमागी काम आई और वो झुकाई देकर बच गया और घूमकर एक भरपूर लात उसकी पीठ पर मारी और भाग खड़ा हुआ। उसने ये देखने की तौफीक भी ना की कि उसकी लात का अंजाम क्या हुआ। जैसे ही काशिफ कमरे से बाहर निकला, सामने जागुना खड़ी नजर आई। उसे देखकर मकरू अंदाज में हंसी और चीखती हुई उसकी तरफ भागी तो वो बुखलाकर पलटा तो ये देखकर चौंक गया कि उसके पीछे वही खौफनाक इंसान खड़ा नजर आया। सूरत हाल अब ये थी, काशिफ के सामने जागुना और पीछे वही खौफनाक इंसान खड़ा था। मौत उससे सिर्फ चंद कदमों के फासले पर थी। अगर वो भागना चाहता तो भाग नहीं सकता। आगे कुआं और पीछे खाई। जलमूस, दफा हो जा यहाँ से, ये मेरा शिकार है, जागुना उस खौफनाक इंसान की जानब देखकर बोली। उसकी आवाज़ से गुस्सा जाहिर हो रहा था। जवाबन उस खौफनाक इंसान के लब हिले। उसका मुंह खुलते ही काशिफ ने देखा कि बहुत से कीड़े उसके मुंह से निकल निकल कर फर्श पर रींगने लगे। ये तेरा नहीं जागुना, रामूना देवी का शिकार है। तू एक हकीर सी दासी जिसको खर्चन मिल जाए गनीमत है, वो पूरा हड़पना चाहती है। जाल मुंह के हलक से खोखली और चीखती हुई आवाज़ निकली। रामूना का नाम सुनकर काशिफ चौंक पड़ा, क्योंकि ये उसी पत्थर के मुजस्मे का नाम था। उसने देखा कि रामूना के नाम पर जागुना के चेहरे पर मुर्दनी दौड़ गई थी। चंद लम्हे तक वो सोचती रही और फिर बोली, कुछ भी हो, उस खून से तेरी मेरी ही प्यास बुझेगी। जागुना का लहजा हतमी था। लगता है तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर जालमूस ने जागुना की जानब भागना शुरू कर दिया। उसको भागते देखकर काशिफ बिल्कुल ही एक तरफ हो गया। जागुना ने जालमूस की तरफ भागना शुरू किया और दोनों ही उछलकर एक दूसरे से गुत्थम गुथा हो गए। काशिफ मौका जानकर वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वो उस खंडर नुमा मकान से बाहर निकला, उसके सामने एक दूसरा मकान था जो कि बिल्कुल उसी तर्ज का था। अभी काशिफ खड़ा ही था कि एक तेज़ चीख सुनकर वो उछल पड़ा। दर्दो कर्ब में डूबी हुई चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर उसको ऐसे लगा जैसे कि
चीखने वाली को बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा किया जा रहा हो। उसका दिल यकबारगी उछल कर हल्क में आ गया। वो अपनी तकलीफ भूल गया कि अभी कुछ देर पहले वो गैर इंसानी मखलूक के नरगे में फंस गया था, जो उसके हसूल के आपस में लड़ पड़े। ना जाने उनकी लड़ाई का अंजाम क्या हुआ। काशिफ अभी सोच ही रहा था कि वो क्या करे, चीख फिर बुलंद हुई। इस बार वो चीख पहले से ज़्यादा दर्दनाक थी। वो ये सोचे बगैर ना रह सका कि यहाँ कहीं पर कोई मजबूर औरत पर जुल्म ढाया जा रहा है। उसका दिल उस मजलूम औरत की मदद पर आमादा होने लगा। चुनाचा वो उठ खड़ा हुआ ताकि वो उस मजलूम की मदद कर सके, जो शायद उसी की तरह वर्गला कर लाई गई थी। वो अजियतनाक चीख फिर सुनाई दी, जिसको सुनकर उसके जिस्म में खौफ की एक तेज़ लहर दौड़ गई। खौफजदा दिलो दिमाग में इंसानी हमदर्दी गालब आ गई। उसके ख्याल के मुताबिक वो चीख उसी खंडर नुमा मकान से बुलंद हुई थी। काशिफ फौरन ही उस मकान में दाखिल हो गया, ये सोचे बगैर कि वो तो खुद मुसीबत ज़दा है, फिर उसकी मदद कैसे करेगा। बहरहाल ये उसके लिए मुश्किल था। अंदर दाखिल होते ही वो चौंक गया, पूरा मकान खाली था, जैसे उसमें कोई रहता ही ना हो। क्या उस मकान के मकीन कानों में तेल डालकर सो रहे थे, या बहुत ज़्यादा खुद गर्व थे कि किसी मजलूम की चीखें भी उनको मुतासर नहीं कर रही थी। अचानक उसके कानों ने फिर वही चीख सुनी, जिसे सुनकर काशिफ चौंक गया। उसको ऐसा लगा कि यह चीख की आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही है। वो जिस जगह खड़ा था चीख बिल्कुल ठीक उसी के नीचे से सुनाई दे रही थी। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया, क्योंकि फर्श नीचे की तरफ दब रहा था, जैसे उसमें रास्ता बन रहा हो। काशिफ के लिए ये नई परेशानी थी। कुछ ही लम्हों के बाद सारा फर्श अंदर दब गया। वो एक जीना सा था जो कि नीचे की तरफ उतर रहा था, जो कि एक तय खाने का रास्ता था। काशिफ शशोपंज में पड़ गया कि नीचे उतरे या नहीं। बहुत सोचने समझने के बाद उसने अल्लाह का नाम लिया और जीने पर कदम रख दिया। जैसे ही नीचे पहुंचा, उसी लम्हे उसके कदम तय खाने के फर्श से चिपक कर रह गए। सामने वाला मंजर ही इतना लर्जा खेज था कि खौफ से आंखें उबल पड़ी थी। जो मंजर काशिफ की आंखों ने देखा वो इंतहाई लर्जा खेज और रूह फरसा था। तय खाने की दीवार के साथ पत्थर का रामूना का बुत बना खड़ा था, जो कि उसने बस्ती में दाखिल होते वक्त देखा था। उसके बिल्कुल सामने 24 शिकंजे से एक नीम बरहना नौजवान औरत जकड़ी हुई थी। उस औरत के चेहरे से दर्दो करब का ज़बरदस्त अजहार हो रहा था। आंखों में अजियत और खौफ के मिले जुले साए लहरा रहे थे। वो उस औरत को देखकर चौंक गया। काशिफ ने उसको पहचानने में ज़रा भी देर ना लगाई, क्योंकि हज़ारों बार उसकी तस्वीर न्यूज़ चैनल और अखबारों में देख चुका था। ये वही लड़की थी जो कुछ अरसा कबल अपनी शादी छोड़कर एक लड़के के साथ फरार हुई थी। बाद में उस लड़के की लाश मिली थी और लड़की लापता हो गई थी। ये सदफ थी। चकंजे के करीब ही एक बड़े से खड्ड में आग दहक रही थी। एक उधेड़ उम्र मजबूत और सफाक किस्म का खौफनाक शख्स हाथों में दहकती सलाखें लिए सदफ की जानब बढ़ रहा था। साफ जाहिर था कि वैशी इंसान उसके खूबसूरत और नाजुक जिस्म की चर्बी पिघलाने का इरादा रखता है। उस तहखाने में और बहुत से लोग उस आग के गिर्द दायरे की सूरत में खड़े थे। सब के सब बरहना हालत में थे। उन सब के चेहरों पर अकीदत नुमायां थी। वो सफाक शख्स ही पूरे कपड़ों में था। वो कपड़े ऐसे थे जो कि किसी मंदिर या माबद के पुजारी वगैरह पहनते हैं। सिर्फ एक चोगा था जो कि उसने पहन रखा था। अगले पल ही उस सफाक बूढ़े ने, जिसके हाथ में जलती हुई सुरख सलाख थी, उसने मुड़कर उसकी जानब देखा। दूसरे ही पल काशिफ कांप गया, जिसका सारा खून अपनी रगों में जमता हुआ सा महसूस हुआ था। वो सर्द आंखें जिनमें सफाकियत भरी थी, वो उन आंखों में उसको सांप की तेज और खौफनाक चमक लहराती हुई नजर आई। उसके मनहूस और शैतानी चेहरे पर दरिंदगी रक्स करती नजर आई।
उसके काले काले मोटे होंठों पर नहायत ही शैतानी किस्म का तबस्सुम खेल रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो काशिफ की तरफ देखकर अजीब फटी हुई गैर इंसानी आवाज़ में बोला। मेरा? काशिफ का दिल खौफ से कांप गया। हाँ तुम्हारा, वो मुस्कुराया। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे और तुमको आना ही था। उसकी बात सुनकर खौफ की एक तेज़ लहर उसके जिस्म में दौड़ गई और उसका रहा सहा हौसला भी पस्त हो गया। पता नहीं उस मनहूस चेहरे पर ऐसी क्या बात थी, एक इंसान नज़र आने के बावजूद वो इंसानों से मुख्तलिफ था। उसकी आवाज़ गैर इंसानी और खोखली थी। जागुना की आवाज़ की तरह काशिफ का दिल दहशत से भर चुका था। नौजवान, उस लड़की के बाद तुम्हारा ही नंबर है। वो तो जागुना ने गद्दारी कर दी, वगरना तुम वहाँ से भाग नहीं सकते थे, बूढ़ा मुस्कुराकर बोला। जागुना का नाम सुनकर काशिफ को याद आया कि अभी कुछ देर पहले उस जागुना और लमूस को उसके ससुर के लिए लड़ते हुए देखा। वो दिल में सोचने लगा कि जागुना कहाँ है, मगर ये सवाल पूछने की हिम्मत ना कर सका। बूढ़ा काशिफ की दिल की बात जानकर बोला, उधर देखो नौजवान। बूढ़े ने उस लड़की की दाई जानब इशारा किया। उसने दूसरी तरफ देखा तो जागुना फर्श पर पड़ी तड़पती नजर आई। उसके पूरे जिस्म पर वही सफ़ेद कीड़े चिपके हुए थे जो जागुना के जिस्म को चाट रहे थे, और पास ही में जालमूस खड़ा था। जागुना के चेहरे पर शदीद किस्म की तकलीफ के तासरात पाए जाते थे। ये उस गद्दारी की सजा है, बूढ़ा सफाकी से मुस्कुराया। कैसी गद्दारी? काशिफ के मुंह से अज खुद निकला। हाँ गद्दारी, बूढ़ा गुस्से से बोला। वो तुम्हारा खून अकेले पीना चाहती थी। वो जानती थी कि तुम्हारा खून देवी रामूना की अमानत है, मगर तुम भाग निकले और अब उसको इस जुर्म पर सजा मिलेगी, बूढ़ा गुस्से से बोला। काशिफ ने कोई जवाब ना दिया, बस होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। रहम रहम मुकद्दस राउन, जागुना के हलक से दर्द में डूबी हुई आवाज़ निकली। तू जानती है जागुना, हमारी किताब में रहम नहीं। तेरी वजह से रामूना की सदियों पुरानी ख्वाहिश दम तोड़ देती। अब चल उस आग में कूद जा जो अब सदियों तक तेरा मुकद्दर बना दी गई है। काशिफ ये पूछने की हिम्मत ही ना कर सका, रामूना कौन है? वो तो पहले ही खौफ का शिकार था। तू जानती है ये मुकद्दस आग हमारे जलाने की बजाय हमारी रूहों को अजियत देगी, क्योंकि हम तो पहले ही मर चुके हैं, बूढ़ा बड़बड़ाया। मर चुके हैं? काशिफ चौंका। हाँ नौजवान बहुत साल पहले इस बस्ती में ताऊन की बीमारी फैली थी जिससे सारे लोग मारे गए। चूँकि हम लोग डकैत थे इसलिए हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की थी, इसलिए कोई अमदाद ना मिलने के सबब सब के सब लोग मारे गए। बच्चे बूढ़े औरतें, हम शुरू से ही मुकद्दस रामूना के पुजारी थे। रामूना के लिए खून फराहम करना हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए जो भी हमारे शिकंजे में फंस जाता वो रामूना की भेंट चढ़ जाता। ताउन की वजह से हम लोग मारे गए, मगर हमारी रूहों को मुकद्दस रामूना ने फना होने नहीं दिया। फिर हम लोग बाहर के लोगों से बदला लेने लगे। लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ आते, हम उनके जिस्म का सारा खून पी लेते और लाश लोगों में खौफ पैदा करने के लिए सड़क पर छोड़ देते। हम चाहते लाश ले जाने वाले भी हमारा शिकार बन सकते थे, मगर जानबूझकर दहशत के लिए उनको छोड़ देते ताकि लोगों में हमारा रहास फैले। उसकी बात सुनकर काशिफ की आंखें खौफ से उबल पड़ी। ये उसकी बहस दहशत ज़्यादा था कि वह खून अशाम रूहों के चक्कर में फंस गया था। बूढ़ा चंद लम्हे तक जागुना को देखता रहा, फिर बोला, जागुना चलो, शाबाश, छलांग लगाओ, वगरना तुम्हारी सजा की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी और 200 साल की जगह 400 साल तक तुम्हें आग में रहना पड़ेगा, बूढ़ा गुस्से से बोला। जागुना की आंखों में मुर्दनी दौड़ गई। दूसरे ही पल वो तड़पते हुए उठी और मरे मरे कदमों से उस खड्डे में छलांग लगा दी। जागुना के खड्डे में गिरते ही तहखाने का घुटा घुटा माहौल गैर इंसानी चीखों से गूंज उठा। मंजर बहुत खौफनाक था, जिसको सुनकर सदफ की चीखें निकल गई। सदफ की चीख सुनकर वो मुर्दा बूढ़ा यूं चौंका जैसे सदफ को फरामोश कर बैठा हो।
दूसरे पाल उसकी आंखों में तागूती कुवते रक्स करने लगी और बूढ़ा जलती हुई सलाखें लिए सदफ की जानब बढ़ने लगा। सदफ का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो काशिफ की जानब तरहम रहम नजरों से देखने लगी, लेकिन काशिफ चाहने के बावजूद उसकी मदद ना कर पाया। देखते ही देखते उस खूनी बूढ़े ने वो सलाख सदफ की गर्दन में घोंप दी। सदफ की दिलखराज चीख निकली और वो खून का फवारा सा फूट पड़ा। उसकी गर्दन से और कमर के खुटे हुए असीब ददा माहौल में जलते हुए गोश्त की सरांड फैल गई। सदफ की आंखें फट पड़ जाने की हद से उबल पड़ी। चेहरे पर तशन्नुज की कफियत नजर आने लगी और फिर उसकी गर्दन ढलक गई। फिर उसने दम तोड़ दिया। सदफ की इबरतनाक मौत देखकर काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहने के बावजूद भी सदफ को नहीं बचा सका था, चुनाचा उसको अपनी जान की फिक्र पड़ गई। वो ये मंजर देखकर वहां से भाग निकला। नौजवान रुक जाओ, कहां जा रहे हो? उसने अपनी पुश्त से उस बूढ़े की खोखली और गैर इंसानी आवाज सुनी, लेकिन उसने परवाह ना की। बस वो तो इस मनहूस जगह से निकल जाना चाहता था। काशिफ को ऐसे लगा कि जैसे उसके पीछे बहुत से अनदेखे साए लग गए हों। भागते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो दूसरे पल ही उसकी आंखों से खौफ जाहिर होने लगा। वो इंसानी ढांचे थे जो कि तादाद में बहुत ज़्यादा थे और उसके पीछे चलाते हुए भाग रहे थे। सबसे आगे वो फरेबी बूढ़ा जो चलाता हुआ आगे बढ़ा रहा था, और उसने ये सब देखा। उसकी हलक से भी चीखों की आवाज़ें निकलने लगी। वो आगे आगे था, वो खूनी ढांचे उसके पीछे। कुछ ही लम्हों के बाद काशिफ रामूना के उस बुत के पास पहुंच गया जो उसने बस्ती में दाखिल होते वक्त देखा था। ढांचे अब काफ़ी पीछे थे, चुनाचा काशिफ उस बुत के पीछे जाकर बैठ गया। रात अब गहरी हो चुकी थी। उसको उम्मीद थी कि इस अंधेरी रात में वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाएगा। उसके अंदाजे के मुताबिक रात के 12 से ऊपर का वक़्त था। सांस बेहद तेज़ी से चल रहा था। वो बुत के पीछे बैठा हुआ अपने चढ़े हुए सांस को दुरुस्त कर रहा था। शदीद किस्म की नकाहत, प्यास और थकन से उसका बुरा हाल था। उसको बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी। उसको अपने इर्द गिर्द अनगिनत आवारा और भटकती रूहें चकराती हुई महसूस हुई। खौफ ने उसके असाब को चटखा कर रख दिया। दूर दूर तक किसी मुतनफ्फस का पता न था। ना जाने उसके ताकब में लगे हुए वो ढांचे और शैतान बूढ़ा कहाँ चला गया। अचानक काशिफ को जागुना की याद आई जो उसके खून को देवी पर भेंट करने की बजाय अकेले ही पीना चाहती थी। पकड़े जाने पर जागुना को आग के हवाले कर दिया गया था। सदफ का चेहरा भी उसकी निगाहों के सामने था, जिसकी आंखों में शादी के अरमान मचले थे, मगर उन खूनी भेड़ियों ने वक़्त से पहले ही उन अरमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। काशिफ को बैठे काफ़ी देर हो चुकी और थकावट से बुरा हाल था। ढांचे भी शायद मायूस होकर जा चुके थे। उसने बुत से टेक लगाए हुए अंगड़ाई ली। बुत की दीवार एक गड़गड़ाहट से पीछे की तरफ हटने लगी। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। बुत के अंदर एक जीना नीचे की तरफ जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो लड़कता हुआ जीने से नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही अंदर घुप अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ सुझाई ना दिया। काशिफ कराह कर उठा और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की। उसको ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक अजीब सी नागवार बो महसूस हुई, जैसे कि जमे हुए खून से आती है। या इलाही, ये क्या माजरा है? मैं किस गोरख धंधे में फंस रहा हूँ? कहीं ऐसा ना हो यहाँ के पुर इसरार वाक़यात मेरे जहन को गैर मतवाजन कर दें, काशिफ आज खुद बड़बड़ाया। अचानक रोशनी की एक नन्ही सी किरण नजर आई जो कि इसके बिल्कुल सामने से नजर आई, और वो किरण लाल रंग की थी जो बिल्कुल किसी जुगनू की तरह चमकी थी। और फिर उस रोशनी का कतर बढ़ता ही चला गया। रोशनी इतनी बड़ी कि उसकी जगह हर चीज़ बहुत साफ और वाज़े नज़र आने लगी। जो कुछ काशिफ को नज़र आया उसको देखकर वो दहशत ज़दा हो गया। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो मंजर था ही इतना खौफनाक और हौलनाक कि काशिफ को वो सारे खौफनाक तजर्बात फरामोश हो गए।
वो एक तंगोतारी कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब किस्म की जानवरों की तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनमें बिल्ली नुमाया थी और इशारों की जुबान में ना जाने क्या क्या लिखा था। उस तंगोतारीक कमरे के वस्त में संगे मरमर के चबूतरे पर एक ताबूत रखा था जिसका ढक्कन खुला था। ताबूत के बिल्कुल सरहाने की जानब एक हनूद शुदा मम्मी की लाश मुजस्मे की तरह सर झुकाए खड़ी थी। उस मम्मी के फैले हुए दोनों हाथों में पत्थर का पतीला नुमा कोई बर्तन मौजूद था जो कि झुका हुआ था। उस बर्तन से बूंद बूंद कर खून उस ताबूत में गिर रहा था। ताबूत के चारों पायों पर मोमबत्तियां रोशन थी। मोमबत्तियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने जागुना के कमरे में देखी थी। फ़र्क इतना था कि वो मोमबत्तियां चार छोटे छोटे शमादानों में रोशन थी। काशिफ ने आगे बढ़कर उस ताबूत में झांका तो खौफ से उसकी कपकपी छूटने लगी। ताबूत के अंदर हनूद शुदा इंसानी लाश मौजूद थी जो कि किसी औरत की थी। वो लाश ताज़ा ताज़ा हनूद की हुई लग रही थी। ऐसे लगता था जैसे उस लाश को अभी अभी हनूद किया गया हो। हनाउत हुई लाश का मुंह खुला था जिसमें वो खून कतरा कतरा करके गिर रहा था। देखने में वो मंजर नहायत ही खौफनाक था। खून उस हनूद शुदा लाश के मुंह में जाता, खून उस मुंह में गिरता और फिर ना जाने कहाँ गायब हो जाता। काशिफ हैरत और खौफ से खौफनाक मंजर देख रहा था कि अचानक उसके सरहाने खड़ी मम्मी की हलक से एक डरावनी गुर्राहट की आवाज़ बुलंद हुई। आवाज़ सुनते ही उसकी हलक से चीख निकली। काशिफ ने भागना चाहा लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए। उस मम्मी ने सर उठाया और मशीनी अंदाज में काशिफ की जानब गर्दन घुमाई। उसकी आंखें देखकर उसके हलक से चीख निकल गई। वो आंखें उसको जलती हुई नजर आईं। उस मम्मी के लब हिले, काशिफ के कानों ने खोखली और गैर इंसानी आवाज़ सुनी जिसे सुनकर थर थर कांपने लगा था। तुम सिर्फ मरकर यहाँ से निकल सकते हो, इसलिए चुपचाप अपने आप को बस्ती की रूहों के हवाले कर दो। उसकी बात पर उसने एक तवील सांस ली और दिल में सोचा कि यूँ डरते रहने से कुछ नहीं होगा, मरना तो है, क्यों ना मुकाबला करके मरूं, शायद बचने की कोई सूरत नज़र आ जाए। ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, तुम बदरूहों के नहीं। मेरी मौत है तो कोई बचा नहीं सकता और ज़िंदगी है तो कोई मार नहीं सकता, चुनाचा मैं लड़ूंगा और भागने की कोशिश करता रहूंगा, काशिफ ने संजीदगी से कहा। जवाब में काशिफ को एक गर्जता हुआ कहका सुनाई दिया जिसमें तदहीक का अंसर नुमाया था। अचानक वही आवाज़ फिर उसके कानों से टकराई। अच्छी बात है, कोशिश करके देखो। ये सब क्या है, काशिफ ने ताबूत की तरफ इशारा करके कहा। जो अबवाब में कुछ लम्हे तक खामोशी छाई रही और फिर वही आवाज़ दोबारा उसके कानों ने सुनी। बताना ज़रूरी तो नहीं मगर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी की जाती है जो कि असूल है, वही खोखली आवाज़ उसके कानों से टकराई। हाँ, मिस्र के सबसे कदीम देवताओं के पुजारी हैं, उनकी पूजा वही लोग करते हैं जो जादू टूना और काले इलम में महारत हासिल करना चाहते हैं। देवी रामूना मिस्र की सबसे कदीम साहरा थी। वो कदीम देवताओं की पुजारन थी और देवताओं ने उसके बहुत सी कुवतें बख्शी थी। लेकिन रामूना देवी मिस्र के इक्तदार पर काबज़ होना चाहती थी। उसका मानना था कि हुकूमत करने का हक सिर्फ उसको है जो ताकतवर हो, जिसको कभी मौत ना आए। चुनाचा रामूना देवताओं की दिन रात परस्तश करने लगी। देवताओं ने खुश होकर हमेशा ज़िंदा रहने का राज बता दिया। हमेशा ज़िंदा रहने के लिए उसको नौजवानों के खून के से गुसल की ज़रूरत थी। चुनाचा वो मिस्र के नौजवानों को अपने हुस्न और जवानी के जाल में फांस कर उनके खून में गुसल करती रही। मिस्र के नौजवानों के पुर इसरार तौर पर गायब हो जाने पर हुकूमत चौकन्ना हो गई और एक रोज़ उसको गुसल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर रामूना देवी को मिस्र की सबसे सज़ा, ख़तरनाक सज़ा दी गई। मुकद्दस पानी की मदद से उसका सारा जादू सलब कर लिया गया और उसको ज़िंदा मम्मी बनाकर ताबूत में दफना दिया गया और मुकद्दस कीड़े उस पर छोड़े गए ताकि वह उस ताबूत से निकल ना सके। लेकिन रामूना के प्रस्तार बेबस थे। वो लोग वक़्त का इंतज़ार करते रहे। हज़ारों साल गुजर गए, हुकूमतें ख़त्म हो गईं,
वो लोग वक्त का इंतज़ार करते रहे। हजारों साल गुजर गए, हुकूमतें ख़त्म हो गईं, लेकिन मुकद्दस रामूना देवी की रूह ख़त्म ना हो सकी। फिर 50 साल कबल तुम्हारे मुल्क के आर्कियालोजिस्ट मिस्र की कदीम तारीख पर रिसर्च करते हुए रामूना देवी के अहराम तक पहुंच गए और अहराम और रामूना देवी को दुनिया के सामने पेश कर दिया। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उस मुकद्दस ताबूत को अहराम से निकाल कर तुम्हारे मुल्क लाया गया, जहां रामूना के वो प्रस्तार जो सदियों से रामूना के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे, उनमें इस खबर से तहलका मच गया। रामूना के प्रस्तारों ने अपनी जान पर खेल कर ताबूत को चुराया और यहाँ इस इलाके में लाया गया। प्रस्तार और घर वाले अपनी जानों पर खेल कर मुकद्दस रामूना के लिए नौजवानों के खून का इंतज़ाम करते रहे और फिर एक रोज़ ताऊन की बीमारी फैली और सब लोग मारे गए, लेकिन मुकद्दस रामूना ने उनकी रूहों को मरने ना दिया और रामूना के प्रस्तार अपना काम करते रहे। और आज तुम वो आखिरी इंसान हो जिसके खून से रामूना की मम्मी का गुस्ल होगा और वो जिंदा हो जाएगी कभी ना मरने के लिए। इतना सुनना था, काशिफ कांप गया। वो सोच ही रहा था कि वो क्या करे। उसने देखा कि बहुत से ढांचे और वो बूढ़ा काशिफ को तय खंड के अंदर आते दिखाई दिए। वो शैतान बूढ़ा सबसे आगे था। नौजवान, तुम मिल ही गए, बूढ़ा सफाकी से मुस्कुराता हुआ बोला। मम्मा मुझे माफ कर दो, उसने मिन्नत करते हुए कहा। अरे नौजवान, बहादुर बनो, अब तुम अभी तो कह रहे थे कि तुम अपनी जिंदगी के लिए लड़ोगे, बूढ़े ने तंजिया लहजे में कहा। उसने कोई जवाब ना दिया। बाहर जाने का रास्ता भी कोई ना था। जो रास्ता था उस पर वो शैतानी ढांचे मौजूद थे। काशिफ ने इधर उधर देखा तो उसकी समझ में कुछ ना आया कि वो क्या करे। मौत को इतने करीब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देखकर बूढ़ा हंसकर बोला, नौजवान मर्द होकर रोते हो, मैंने तो सुना था कि मुसलमान कभी नहीं रोता, वो हर हाल अपने पालने वाले का शुक्र अदा करता है। मगर तुम घबराओ मत, मौत तुमको आराम से मिलेगी, उस लड़की की तरह अजियत वाली नहीं। काशिफ ने यह सुना तो वो कांप गया। उसने अब तक अल्लाह से मदद मांगी नहीं थी, वो तो हर जगह मदद करने वाला है। चुनाचा उसने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी की तलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे वो तलावत करता जाता, वैसे वैसे उसके दिल को तकवीत मिलती जाती। कलाम अल्लाह से ये हुआ, उसका डर आज खुद ख़त्म हो गया। उसको यकीन हो गया कि अगर मेरी मौत है तो कोई बचा नहीं सकता, जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। उसने इधर उधर देखा, उसकी नज़र उन शमादानों पर पड़ी जिनमें मोमबत्तियाँ रोशन थीं। उसने आगे बढ़कर एक शमादान को उठा लिया। जैसे ही उसने शमादान को उठाया तो उसे पहली बार उस बूढ़े मनहूस आंखों में खौफ नजर आया। चचे छोड़ दो इस मुकद्दस शमा को, बूढ़ा खौफ ज़दा लहजे में बोला। काशिफ को समझ नहीं आया कि इस शमा की क्या वैल्यू है जो उसके छूते ही बूढ़ा इस कदर खौफ ज़दा नजर आया। मुझे जाने दो वगरना मैं इस शमा को तोड़ दूंगा, काशिफ ने धमकी देते हुए जवाब दिया। उसने शमा को इस तरह उठा लिया जैसे तोड़ देगा। नहीं नहीं, ये तोड़ना मत, वरना सारी मेहनत मट्टी में मिल जाएगी, रामूना देवी जिंदा नहीं हो सकेगी, बूढ़े ने बदस्तूर खौफजदा लहजे में काशिफ से कहा। ठीक है, फिर मुझे जाने दो। नहीं, जाने का ख्याल दिल से निकाल दो नौजवान, इतना कहकर बूढ़ा चिल्लाते हुए अपने ढांचों से बोला। छीन लो ये मुकद्दस शमा रामूना के प्रस्तारों। ये देखकर काशिफ बौखला गया। उसे पहले कि वो कुछ करता, ढांचों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। ढांचों ने जैसे ही उसको पकड़ा, उसके हलक से चीख निकली, साथ ही उसकी गर्दन का जख्म खुल गया और खून निकलने लगा जो टपकता हुआ सीधा रामूना देवी के मुंह के खुले हुए दहाने में जा गिरा था। खून जैसे ही मम्मी के खुले दहाने में गिरा, बेजान मम्मी में हल्की सी हरकत पैदा हुई जिसे कोई ना देख सका। अचानक ढांचों ने काशिफ को धक्का दिया। धक्का लगते ही उसके हलक से चीख निकली और उसके हाथ से शमा छूट गई। शमा के नीचे गिरते ही आग भड़क उठी। आग भड़कते ही उसने बूढ़े की आंखों में खौफ देखा, एक ऐसा जमूद जो कि कामयाबी के करीब आने के बाद नाकामी मिलने पर होता है।
तहखाने की महदूद फिजा गैर इंसानी चीखों से गूंज उठी। बूढ़े के हलक से भी चीखें निकलने लगीं, साथ ही साथ ढांचों में भी आग भड़क उठी। आग ने उस मनहूस बूढ़े को भी नहीं बख्शा था। वो मम्मी जो सर झुकाए खड़ी थी आग के शोलों से महफूज नहीं थी। काशिफ मौका जानकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने सिर्फ इतना देखा कि आग के भड़कते हुए शोलों में वो बूढ़ा मुर्गे बिस्मिल की तरह नाच रहा था और ढांचे टूट टूट कर गिर रहे थे। आग बहुत बढ़ चुकी थी। बाहर निकलते काशिफ भागने लगा। उसका रुख अपनी गाड़ी की जानब था। गाड़ी उसी हालत में सड़क पर खड़ी थी। उसने गाड़ी में बैठने में देर नहीं लगाई। उसने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई तो थोड़े ही मेहनत के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये चीज़ काशिफ के लिए बाइस से हैरत थी कि जब गाड़ी रुकी तो उसने फ्यूल मीटर जीरो शो कर रहा था। अब फ्यूल इतनी मकदार बता रहा था कि वो बा आसानी अपने घर तक पहुँच सकता। हो ना हो ये उन्हीं कुवतों का करिश्मा था जो हर गुजरने वाली गाड़ी को इसी तरह रोका करते थे। उसने दिल में शुक्र अदा किया कि इन शैतानी कुवतों से अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई थी। काशिफ ने कार वापस ही अपने घर की जानब घुमा ली। सारे वाकयात जैसे उसके जहन में किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे जिनसे वो दो चार हुआ था। आग के बुलंद शोले उसको दूर से ही दिखाई दे रहे थे। काशिफ दिल ही दिल में अपने परवरदिगार का शुक्र गुजार था कि जिसने उसकी जान की हिफाजत की थी। भड़कती हुई आग हर शय को जलाकर खाकस्तर कर चुकी थी। उसने वहां से निकलने में बेहद तेजी दिखाई थी। उसे खुशी थी कि यह सड़क शैतानी कुबतों से पाक हो चुकी है। शायद ये उसकी भूल थी। कार थोड़ी ही आगे गई होगी कि उसको सड़क के वस्त में खड़ा कोई नजर आया। काशिफ उसको देखकर चौंक गया और उसने फौरन ही कार रोक दी। जैसे ही नवार्द नजदीक आया काशिफ ने उसको पहचानने में देर नहीं की थी। वो जख्मी हालत में मौजूद सदफ थी। जो जख्मी थी सदफ की हालत काबिले रहम थी। उसकी हालत खुद भी इतनी अच्छी ना थी लेकिन उसने फिर भी उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। सदफ ने चंद लम्हे तक काशिफ को देखा और फिर तनमीमी अंदाज में चलती हुई कार में बैठ गई। कार चल पड़ी थी। काशिफ ने महसूस किया कि सदफ को हस्पताल की ज़रूरत है। हम हस्पताल जा रहे हैं ताकि तुमको तभी अमदाद मिल सके, फिर तुम अपने घर वालों को बुला लेना। सदफ ने सर हिलाया और बाहर की तरफ देखने लगी। उसने सदफ की आंखों में अजीब सी वहशत देखी, अजीब सी दरिंदगी, ऐसी दरिंदगी जंगली जानवरों की आंखों में पाई जाती थी। अचानक काशिफ कार में लगे बैक व्यूअर मिरर की तरफ देखकर चौंक पड़ा। बैक व्यूअर मिरर का रुख सदफ की जानब था लेकिन उसमें सदफ का अक्स कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। काशिफ ने खौफजदा नजरों से सदफ की जानब देखा और उसी पल कार रुक गई। काशिफ ने देखा कि सदफ के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल चुकी है। रामोना का जिस्म तो खत्म हो गया मगर उसकी रूह जिंदा है जो अब इस जिस्म में मौजूद है, सदफ ने जहरीली मुस्कुराहट से कहा। काशिफ ने यह सुना तो उसके हलक से चीख निकल गई। सदफ के जख्मी हाथ उसकी गर्दन की जानब बढ़ रहे थे। दूसरे दिन पुलिस ने काशिफ को इस हालत में पाया कि उसका जहनी तवाजन बिगड़ चुका है और हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है। आंखों में खौफ और जमूत तारी था। कार में सदफ बेहोश हालत में पाई गई और उसकी हालत भी तशवीशनाक थी। चुनाचा उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोई ये नहीं जानता था कि सदफ के रूप में रामूना इस दुनिया में वापस आ चुकी थी बर्बादी और तबाही फैलाने। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।